यही काव्यखंड से फर्स्ट पार्ट जो कि सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पद था, हम लोगों ने उसको पढ़ लिया है। अब आज हम लोग तुलसीदास द्वारा रचित मनुष्य भंग जिसका शीर्षक है, तुलसीदास द्वारा रचित मनुष्य भंग जिसका शीर्षक है उसको पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या जानेंगे। लेकिन बच्चों उसको पढ़ने से पहले आइए हम लोग सबसे पहले तुलसीदास के जीवन परिचय पर एक दृष्टि डालें, तुलसीदास के जीवन परिचय को भली प्रकार समझ लें, फिर उसके बाद पहले तुलसीदास के जीवन को परिचय को समझेंगे, जीवन को जानेंगे, जीवन के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद तुलसीदास द्वारा रचित व्याख्या को भी पढ़ेंगे। तो बच्चों तुलसीदास के जन्म के विषय में विद्वानों में अधिकतर मतभेद हैं, उनके जन्म और जन्म के स्थान और जन्म का स्थान दोनों को लेकर के विद्वानों में एक मत नहीं है। लेकिन इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जनपद के सोलो नामक स्थान पर भी मानते हैं। बच्चों इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और इनकी माता का नाम तुलसी देवी था। वह तुलसीदास जी के बारे में एक ऐसा जनश्रुत समाज में ऐसा लोकोपवाद प्रचलित है कि ये बहुत ही अशुभ नक्षत्र में पैदा हुए थे, इसलिए इनके माता पिता ने शिशु काल में अर्थात जब ये गोद में थे तभी इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था, इनको त्याग दिया था। तब बाबा नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था और राम की कथा तुलसी ने उन्हीं से सुनी थी। नरहरिदास जी ने तुलसी बाबा का सेवा किया था, लालन पालन किया था और इनको राम कथा सुनाते रहे, जिससे राम कथा तुलसीदास जी उन्हीं से सुना था। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ, ये बहुत ही सुंदर और विदुषी थी। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार आंधी तूफान आया हुआ था और तुलसीदास जी अपनी पत्नी से मिलने के लिए उसी मुसीबत में चल पड़े। जैसे ही तुलसीदास जी ने इतने मुसीबत को झेलते हुए अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो पत्नी ने इनको फटकार लगाया और पत्नी ने इनको कहा कि जितना आप प्रेम हमसे करते हैं और जितना आंधी तूफान में आप हमारे पास आ रहे हैं उतना प्रेम आप राम जी से करिए, तो उतना प्रेम आप राम जी से करो। इतना सुनने के बाद तुलसीदास जी के ऊपर इसका बहुत प्रभाव पड़ा और वहीं से तुलसीदास विरक्त हो गए, उनके मन में विरक्तता आ गई और वह काशी आ पहुंचे। काशी आ गए, उन्होंने अनेक तीर्थ किया लेकिन अनेक तीर्थ यात्रा की, फिर इन्होंने अयोध्या में आकर अयोध्या में आया और फिर इसके बाद अयोध्या आए, अयोध्या के फिर बाद इन्होंने काशी आए, इन्होंने फिर यहीं पे अयोध्या में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। बच्चों इनका मृत्यु जो है वह 1623 ईस्वी में माना गया है। उसके बारे में एक दोहा भी है कि संवत 1680 गंग के तीर श्रावण कृष्णा तीज सती सनी तुलसी तजो शरीर। बच्चों इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी सब संत बाबा नरहरि ने भक्ति की शिक्षा के साथ साथ वेद दर्शन इतिहास पुराण आदि सभी की शिक्षा जो है नरहरिदास ने तुलसीदास को दिया था। बच्चों इनका साहित्यिक परिचय हम लोग जान लें तो तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के एक महान कवि हैं।
इन्होंने अपनी लेखनी से निराशा, पीड़ा, घुटन, दान, वीरता, दासता के युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों को उभारा है। इनकी शैली जो है वह बहुत ही परिपुष्ट है। इन्होंने तत्कालीन सभी शैलियों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। छप्पर पद्धति, दोहा पद्धति, चौपाई, गीत, कवित्व, सवैया आदि जितनी भी सब पद्धतियां हैं, शैलियां हैं, सबको इन्होंने अपने काव्य में अपनाया। इनकी जो मेन कृतियां हैं तुलसीदास जी के, वह 12 माने गए हैं। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, राम लला नहचू, जानकी मंगल, वरय रामायण, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, वरय रामायण, कवितावली और रामचरितमानस। रामचरितमानस बच्चों इनका महाकाव्य है। ये जो हम लोग आज शीर्षक पढ़ेंगे धनुष भंग, बच्चों ये रामचरितमानस से ही लिया गया है, अयोध्या कांड से। और उसके बाद राम ये वहीं से लिया गया है। रामचरितमानस जो है बच्चों को 7 कांडों में विभक्त है। रामचरितमानस कितने कांड में विभक्त है? 7 कांड में। अयोध्या कांड, अरण्य बाल, सबसे पहले बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड इनका। तो कौन कितना हुआ? पहला बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, उत्तर कांड और लंका कांड। ये 7 जो है इनका, इसका कांड है, 7 कांडों में ये विभक्त है। बच्चों इन्हीं में से अयोध्या कांड में से हम लोग आज पढ़ेंगे तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से लिया हुआ धनुष भंग को पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में तुलसीदास का राम कवियों भक्ति की जो 2 शाखाएं हुई, ज्ञानाश्रय और सगुण और निर्गुण भक्ति की जो 2 शाखाएं हुई, सगुण भक्ति काव्य और निर्गुण भक्ति काव्य, सगुण में भी जो 2 शाखाएं हुई, कृष्णाश्रय शाखा और रामाश्रय शाखा। तो कृष्णाश्रय शाखा की हम लोग कबीरदास को पढ़ चुके हैं जो मेन कवि है, और रामाश्रय काव्य के तुलसीदास जी जो है वो मेन कवि है। आज हम लोग तुलसीदास को भी पढ़ेंगे, तुलसीदास के भी जानेंगे। ये राम भक्ति कवियों में शीर्ष पे गिने जाते हैं, इनकी गणना जो है वो अग्रणी है, सारे कवियों में पहले है। बच्चों आज हम लोग इनको पढ़ा जाएगा, आइए बच्चों पढ़ते हैं व्याख्या। उदित उद, पहले दोहा पढ़ते हैं, चौपाई पढ़ेंगे। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबल बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भिंग। बच्चों प्रस्तुत पद के प्रसंग में तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के स्वयंवर में पहुंचने पर किस तरह से वो सभा से उठ तक मंच तक जाते हैं, तो मुनियों और वहां पे सभा में उपस्थित लोगों के हृदय में क्या भावना उठती है उसके बारे में बड़ा ही सजीव चित्र तुलसीदास जी द्वारा किया गया है। कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, उदित गिरि मंच पर कह रहे कि बाल सूर्य, रघुवर बाल पतंग, बाल सूर्य रूपी राम या राम रूपी बाल सूर्य, राम रूपी बाल सूर्य जब पर्वत रूपी मंच पर प्रकट होते हैं तो विकसे संत सरोज सभा से लोचन भी, तो कमल रूपी संत के आंखों में, आंखों जो है संतों का कमल रूपी नेत्र जो है वो खुल जाता है, प्रस्फुटित हो
दिन जो भौरे होते हैं वे सब आनंदित होने लगते हैं। अर्थात क्या कहने का मतलब है बच्चों, जिस प्रकार जब सूर्य जो है वो उदित होता है गिरिमंच पे आकर के, अर्थात पर्वत पे उदित होता है, तो उस समय जो कमल होता है वह कमल खिल जाता है और भौरे जो होते हैं वो भन भन करने लगते हैं, अर्थात कमल के कोश से भौरे जो है वो रस लेकर के आनंदित होने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जब बाल राम जो है, राम जो है मंच की तरफ जहाँ धनुष रखा गया होता है मंच की तरफ जब बढ़ने लगते हैं, तो जो संत लोग होते हैं तो उनका नेत्र जो है श्री राम को आगे आते हुए देख करके आनंदित हो जाता है, हर्षोल्लासित हो जाता है। नृपल के ही आसानी से नासी वचन नखत अवलीन प्रकाशित कर रहे हैं, मानी महीप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने भय विशोक कोप मुनि देवा बरसही सुमन जनामही सेवा गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम नुन सन सन आयुष मांगा सहजही चले सकल जग स्वामी मत्त मंजुबर कुंजर गामी चलत राम सब पुर नर नारी उलक पूज तन भय सुखारी बंति पितर सुर सुकृति मनावे संभारे जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे तौसीव धनु मृणाल की नाय तोरम राम गणेश गोसाई। तो रहे हैं आगे तुलसीदास जी कि नृपहि के ऋषि नासी करें कि जो नृपहि मतलब राजा, जो राजा की राजा राजाओं की आशा रूपी रात्रि थी उसका नाश होने लगा। मतलब कि जो राजा बैठे हुए थे वहां पे उनको ये उम्मीद था कि वे धनुष तोड़ेंगे और सीता का वरण करेंगे, क्योंकि वहां सभा में ये स्वयंवर होता है, तो ये शर्त रहता है कि जो जो धनुष तोड़ेगा वही सीता जी को का वरण करेगा। तो जितने वहां पे बड़े बड़े योद्धाएं बड़े बड़े राजाएं थे तो उन सबका आशा लगा हुआ था, उम्मीद लगा हुआ था कि धनुष हम लोग तोड़ेंगे और सीता जी का वरण करेंगे। तो जैसे ही श्री रामचंद्र जी धनुष की तरफ मंच की तरफ बढ़ते हैं तो जितने वहां पे राजा रहते हैं सारे राजाओं का जो आशा रूपी रात्रि है वह आशा वहीं पे समाप्त हो जाता है, अर्थात आशा रूपी रात्रि जो है वो समाप्त हो जाती है। नखत वचन अवलीन प्रकाशित और नखत अवली मतलब ताराओं का समूह, जिस प्रकार रात्रि में ताराओं का समूह चमकता है उसी प्रकार उस सभा में राजा जो है बड़ बोला बन करके अपने अपने वचनों से सबको सम्मोहित किए थे कि ये धनुष तो हम तोड़ेंगे, ये धनुष तो हम तोड़ेंगे। लेकिन जैसे ही श्री रामचंद्र जी उस धनुष की तरफ बढ़े राजा की जो उम्मीद रूपी आशा रूपी जो रात्रि थी वह समाप्त हो गया और वचन रूपी जो ताराओं का समूह हुआ था प्रकाशी मतलब प्रकाशवान न मतलब नहीं, जो उनके वचन रूपी ताराओं का समूह था वह भी चमकना बंद हो गया। अर्थात वो जो बढ़ बढ़ करके बड़ बोलापन कर रहे थे, जो बढ़ के बोल रहे थे वह बोलना भी अब उन्होंने बंद कर दिया। मानी महीप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लगाने, जो बड़े महीप मतलब जो बड़े बड़े राजा थे वे कुमुदनी कुमुद के समान कुमुदनी का जो फूल होता है उस कुमुदनी फूल के बाद सकुचाने लगे अर्थात संकोच करने लगे। महीप मानी महीप जो बहुत माने जाने महीप मतलब जो राजा थे वे सारे राजाएं कुमुदनी फूल के समान संकोच करने लगे, संकुचित हो गए। कपटी भूप उलूक लुकाने और जो कपटी राजा थे, भूप मतलब राजा, जो कपटी राजा थे वो सारे कपटी राजा उल्लुओं के समान लुकाने मतलब छिपने लगे, जो कपटी राजा थे वे उल्लुओं के समान छिपने लगे। भैंस विशोक कोप मुनि देवा बरसे ही सुमन जनाम सेवा करे कि और जो उस सभा में मुनिगढ़ बैठे थे वे सारे मुनिगढ़ शोक रहित तो हो गए, अर्थात उनके मन में जो शोक था कि यह धनुष कौन तोड़ेगा क्या होगा वह शोक जो है अब समाप्त होने लगा, वे विशोक युक्त हो गए। अर्थात वह मुनि जो सभा में बैठे थे वे मुनि अब शोक रहित तो हो गए। बरस ही सुमन जनावनी सेवा और सारे लोग पुष्प की वर्षा करते हुए, देवता और मुनि उस सभा में बैठे हुए थे या ऊपर से देवता लोग भी जो थे वे सारे लोग शोक रहित हो गए, शोक से बाहर आ गए
वर्षा करके अपनी सेवा को प्रस्तुत करने लगे, अर्थात अपनी सेवा जताने लगे, अपने सेवा का याद सेवा याद कराने लगे। गुरुपद सहित अनुराधा, बंदी सहित अनुराधा, उसकी बात कर रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी जैसे सवाल मंच की तरफ उठते हैं और मंच की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ बहुत ही अनुराग का मतलब प्रेम के साथ गुरु के चरणों में वंदना करते हैं। क्या कहते हैं कि गुरुपद बंदन सहित अनुराग का मतलब बहुत ही अनुराग के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी अपने गुरु के चरणों में वंदना करते हैं, गुरु के चरणों को प्रणाम करते हैं। राम मुनिसन आयुष माना, और उसके बाद श्री रामचंद्र जी अपने गुरु मुनि से आयुष मतलब आज्ञा मांगते हैं। जैसे ही श्री रामचंद्र जी खड़ा होकर के धनुष की तरफ बढ़ते हैं तो श्री रामचंद्र जी बहुत ही अनुराग के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ अपने गुरु के चरणों में वंदना करते हैं, और वंदना करने के बाद वे अपने गुरु से आज्ञा मांगते हैं धनुष की तरफ जाने के लिए या धनुष को तोड़ने के लिए, अपने गुरु से आज्ञा मांगते हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, करे कि जग स्वामी अर्थात जो जग के पालन करता है, जो जग के स्वामी है श्री रामचंद्र जी, वो बहुत ही सहज अर्थात बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही सहजता के साथ चल लेते हैं, गुरु से आज्ञा मांगते हैं। गुरु से आज्ञा मांगने के बाद श्री रामचंद्र जी बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही धैर्यता के साथ चलते हैं। मत्त मंज बल कुंजर गाने, जिस प्रकार बहुत बड़ी हाथी अपने मद में मती हुई हाथी, जिस प्रकार मदमस्त हाथी चलती है, उस हाथी के चाल से जग के स्वामी श्री रामचंद्र भी चलने लगते हैं। चलत राम सब पुर नर नारे, पुलक पूरी तन भय सुखारे। जैसे ही श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए चलते हैं, उस सभा में उपस्थित या उस सभा में उपस्थित और सारे जनकपुर के नर और नारी पुलकति तन पूरी भय सुखारे, सबका शरीर जो है वो आनंदित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, और सब लोग सुख को प्राप्त करने लगते हैं, आनंद का अनुभव करने लगते हैं। बंदी पितर सुर सुकृति संभारे, और सारे लोग जो थे वहाँ पे वे सारे लोग जल्दी जल्दी अपने अपने पितर और सुर जो देवता थे, सुर मतलब देवता, जो देवता जो वहाँ पे बैठे लोग थे, वे सारे लोग अपने अपने पितरों और देवताओं को मनाने लगते, सुकृति मनाने, मतलब सारे लोग वहाँ पे बैठे जितने लोग थे, सारे लोग अपने अपने पितरों और देवताओं की सुकृति मनाने लगते हैं, और कहते हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, जो भी हमारे पुण्य का कुछ प्रभाव है, मतलब मैंने पूरे जीवन में यदि कुछ भी पुण्य काम किया है, नेक काम किया है, और उस पुण्य काम का कुछ प्रभाव हमारे हिस्से में है, तो शिवधनु मृणाल किनाई तोरव राम गणेश गोसाई। तो हे गणेश भगवान, हे गणेश भगवान, हे गणेश गोसाई, ये शिव की जो धनुष है मृणाल मतलब कमल की जो डंडी होती है, कमल की जो नाल होती है, कह रहे हैं कि इस शिव की धनुष को जिस प्रकार कमल की डंडी तोड़ दी जाती है, उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी भी कमल की डंडी के समान ही इस धनुष को तोड़ दे। आइए बच्चों एक बार फिर से हम हिंदी देख लेते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे ही श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए जिस प्रकार सूर्य उदित होता है तो अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है, और कमल की पंखुड़ियां जो है वो खुल जाती हैं, और कमल कोश में बंद भौरे जो है वो आनंदित हो जाते हैं, रसपान करने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे ही श्री रामचंद्र जी जब धनुष तोड़ने के लिए मंच पर की तरफ आगे बढ़े, तो जो संत लोग थे, जो साधु लोग थे, उनका कमल नेत्र जो है, कमल रूपी नेत्र जो है वो बहुत ही कमल रूपी नेत्र एकदम खुल जाता है, वो लोग आनंदित हो जाते हैं, और उनका आँख जो और अपने आँखों से में आनंद जो है वो झलकने लगता है, अर्थात वह आनंदित होने लगते हैं। फिर आगे कह रहे हैं तुलसीदास जी कि जैसे ही श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए उठते हैं, खड़ा होते हैं, वैसे ही जो राजा रहते हैं, राजा का जो उम्मीद लगा रहता है, उम्मीद रूपी जो रात्रि रहती है, उसका
बातें कर रहे थे, डी नहा रहे थे, वह बात भी अब बोलना बंद कर दिए, अर्थात जो उनका वचन रूपी ताराओं का समूह था वह अब चमकना बंद कर दिया। मतलब जो वो बोलापन में बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, डींगे हाँक रहे थे, अब डींगे हाँकना भी बंद कर दिए। कह रहे हैं कि जो जाने माने योद्धा थे, जो बड़े बड़े राजाओं थे, वे राजाएं वे राजा कुमुद के फूल के समान संकुचित हो गए, संकुचाने लगे, और जो कपटी और मूर्ख राजा थे, कपट वाले थे, छली राजा थे, मूर्ख राजा थे, वे सारे राजा उल्लू के समान जा करके कहीं कहीं छिपने लगे। जैसे ही श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो जितने मुनि वहां पर बैठे रहते हैं सारे मुनि के मनों से शोक जो है वो समाप्त हो जाता है, शोक का नाश हो जाता है, और सारे देवता जो है वो फूलों की वर्षा करके अपनी अपनी सेवा को प्रकट करते हैं, अपने अपने आनंद को जाहिर करते हैं। फिर श्री रामचंद्र जी मदमस्त हाथी के चाल से, जैसे मदमस्त हाथी चलती है, मदमस्त हाथी के चाल के समान बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही सहजता के साथ, आसानी से धैर्यपूर्वक उस धनुष की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसके बाद श्री रामचंद्र जी सारे देवताओं जो है वे आकाश में फूलों की वर्षा करने लगते हैं और अपनी सेवा को प्रस्तुत करते हैं। फिर उसके बाद श्री रामचंद्र जी अपने गुरु के चरणों में बहुत ही प्रेम के साथ प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद वे अपने गुरु से आज्ञा मांगते हैं, और गुरु जैसे ही उनको आज्ञा देते हैं, गुरु की आज्ञा प्राप्त कर लेने के बाद श्री रामचंद्र जी मदमस्त हाथी की चाल से बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही सरलता के साथ धनुष को तोड़ने के लिए चल देते हैं। जैसे ही श्री रामचंद्र जी को चलते हुए जनकपुर के और उस सभा में उपस्थित नर नारी सब देखते हैं, तुरंत वे लोग आनंदित हो जाते हैं, उनका शरीर जो है रोमांच से भर जाता है, वे लोग आनंद प्राप्त करने लगते हैं, आनंद के सुख को अनुभव करने लगते हैं, और वे लोग अपने पितर और देवता को, सब लोग अपने अपने पितर और देवता को मनाने लगता है और कहता है कि हे पितर, हे देवता, हे गणेश गोसाई, यदि हमने अपने जीवन में कोई भी पूर्ण काम किया है, अच्छे कर्म किया है, और उस अच्छे कर्म के प्रभाव का जो थोड़ा कुछ भी फल हमें हमारे पास है पुण्य है, तो उस पुण्य के प्रभाव से हमारे श्री रामचंद्र जी इस धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ दे। हे गणेश भगवान, हे गणेश गोसाई, हमने कुछ भी पुण्य किया है तो उस पुण्य के प्रभाव से हमारे राम जी जो हैं इस धनुष को कमल की नाल के समान, कमल की डंडी के समान तोड़ दे। ठीक है बच्चों, आज इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही समझेंगे। बच्चों आइए इसका हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो बच्चों इसका काव्य सौंदर्य अलंकार जो है वो रूपक अलंकार है, इसमें अनुप्रास भी होगा कहीं कहीं, इसमें जो रस है वह वीर रस है और श्रृंगार रस भी कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, गुड़ जो है वह प्रसाद गुड़ होगा, भाषा जो है वो सूरदास तुलसीदास जी का है, पूरा रामचरितमानस जो है वो अवधि भाषा में है, छंद है इसका ऊपर दो लाइन दोहा है और बाकी जितनी सात आठ लाइन है वो पूरा चौपाई है, तो इसका छंद होगा दोहा चौपाई। बच्चों हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को दो तीन बार सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। और पहला चैप्टर जिस तरह से समाप्त हुआ, दूसरा चैप्टर में हम लोग तुलसीदास को पढ़ रहे हैं, दूसरे पाठ में तुलसीदास को पढ़ रहे हैं, तो बच्चों सबसे पहले आप लोग पाठ दो डाल करके तुलसीदास के जीवन का संक्षिप्त जीवन परिचय अपनी कॉपी में लिखिएगा, और तुलसीदास के जीवन परिचय लिखने के बाद उनकी